दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नीलकंठ महादेव। जी हाँ, नीलकंठ महादेव के आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ अच्छे से, और वो भी पैदल यात्रा के साथ। पैदल कैसे जाते हैं? जाने के दो रास्ते होते हैं, एक पैदल रास्ता होता है और दूसरा रास्ता होता है टैक्सी से, या आप बाइक से भी जा सकते हो, ठीक है, अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो। ये आप देख रहे होगे, ये जानकी घाट है यहाँ पे, और अभी जानकी झूला से मैं आपको लेके चलूँगा। ये जानकी झूला है। अभी क्या करते हैं कि इससे जाके वहाँ पर अच्छे से दर्शन करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लोग जो है जानकी झूले पे अपने स्नान कर रहे हैं। अभी अंदर चल के एक जगह और स्नान होगा। स्नान करने के तो कई घाट है, लेकिन वहाँ पे स्नान करके वहाँ से भी आप गंगा जल ले सकते हो, ज़्यादातर लोग वहीं से लेते हैं। अभी मैं आपको उस जगह को दिखाऊंगा, ठीक है। ये अभी आप देख रहे हो कितनी यहाँ पर भीड़ है और कितना सुंदर नज़ारा ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जुड़े रहना वीडियो के अंत तक, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कर देना। ये आप देख रहे होगे, ये ऋषिकेश का बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। ये बहुत ही बड़ी गंगा है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं। अब ये जो है, ये यहाँ पर आप स्नान करोगे, ठीक है। स्नान करने के बाद, गंगा स्नान करके आप यहाँ से जल उठाओगे। जल लेने के बाद ये थोड़ा सुबह का व्यू है, ठीक है। अभी हम सुबह सुबह आए हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह नहीं है इतनी। जो लाइटिंग है उससे इतनी दूरी दूरी का दिखाई नहीं देता अच्छे से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर स्नान करके जल लेके, गंगा जल लेके, और नीलकंठ महादेव के लिए रवाना हो जाएंगे, वो भी पैदल ही। तो चलिए जुड़े रहो वीडियो के अंत तक। अभी हम आपको दर्शन कराते हैं अच्छे से, और लेके चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर इतनी ऊंचाई से नीचे का व्यू कैसा दिखता है और कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप देख रहे होगे, ये हम थोड़ी सी ऊंचाई पर आ गए हैं, चल दिए हैं हम यहाँ से। अभी वहाँ से ऐसा दिख रहा है ऊपर से, ठीक है। अब ये जो आप दिख रहे हो ना, ये आपको बादल दिख रहे होंगे। ये बादल ऐसा लगता है कि हमारे से नीचे ही हैं और हम ऊपर आ गए हैं, ठीक है। ये आप देखो कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखता है ये, और इसका इससे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती रहती है, हल्की हल्की, ज़्यादातर होती रहती है हल्की हल्की बारिश तो, लेकिन कभी कभी मौसम बहुत अच्छे से साफ भी रहता है, बारिश होती भी नहीं है, दिन में धूप खिलती है बहुत अच्छी, ठीक है। ये चलिए अभी आगे चलते हैं और ऊंचाई पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको और ऊंचाई का से चल के वहाँ से कितना अच्छा नज़ारा दिखता है, ठीक है। तो अभी जो है मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसको देखते रहना, आपको पूरा व्यू दिखा दूँगा मैं नीलकंठ महादेव का, अच्छे से दर्शन कराऊँगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो नीलकंठ महादेव की जो शिवलिंग है, शिवलिंग के भी दर्शन कराऊंगा, सब कुछ ठीक रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वीडियो में बहुत ही मस्त आपको दिखाऊंगा। चलिए ये और थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पर हम आ रहे हैं, अभी और भी ऊंचाई पर जाना है। ये आप देख रहे होगे ना कि कितना सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से, इतना अच्छा नज़ारा जो देखने को मिल रहा है, ये देखो। ये आप लोग अगर यहाँ जाते जाते जैसे थक जाते हैं, आप विश्राम भी कर सकते हो और यहाँ पे चाय भी पी सकते हो, ठीक है। पानी वगैरह की भी सुविधा है, हर तरह की सुविधा मिलेगी आपको यहाँ पे, रास्ते में ही जगह जगह पे आपको छोटी छोटी दुकानें मिलेगी, ठीक है। ये अभी ये देखो, यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, चारों तरफ का व्यू कितना अच्छा है। और ये पहाड़ बहुत ही ऊँचाई पर है, काफ़ी बहुत पहाड़ है यहाँ पर। अभी हम बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं, यहाँ से अगर आप नीचे का नज़ारा देखोगे तो नीचे का बहुत ही छोटा सा ऐसा इतना सुंदर दृश्य दिखाई देगा, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और काफ़ी और ऊंचाई पे जाके, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहना एंड तक, और लाइक भी ज़रूर कर देना। ये पीछे पहाड़ है, ये थोड़ा खिसका हुआ है, खिसक जाते हैं बरसात के मौसम में थोड़े थोड़े, ये पहाड़ी मिट्टी है पीछे। ये पीछे का दृश्य आप देख रहे होगे, थोड़ा धुंधला वैसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा मौसम ऐसा रहता है, मौसम के हिसाब से। अभी अच्छे से दिखने लग जाएगा जैसे ही थोड़ी सी धूप खिलेगी, ये देखो। ये अब हम और ऊंचाई पर आ गए हैं,
ये जैसे कि आप लोग जानते हो कि नीलकंठ महादेव जो है, नीलकंठ महादेव का मंदिर जो ये है पीछे, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये काफ़ी ऊंचाई पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आप आराम से 2 घंटे में नीलकंठ महादेव पे पहुंच जाओगे, अगर कभी आओगे तो 2 में 2.5 घंटे में। और चलने की स्पीड के ऊपर बात है, कोई स्लो चलता है, कोई तेज़ चलता है, कोई नॉर्मल चलता है। नॉर्मली अगर आप चलना चाहो तो 2 सवा 2 घंटे में पहुँच जाओगे, ठीक है, आ जाओगे यहाँ पर। ये इसके अभी पीछे का दृश्य देखो कितना सुंदर दिख रहा है, यहाँ से ऐसा लग रहा है अब ना कि बादल नीचे है और हम लोग ऊपर आ गए हैं। ये देखो, इसकी बात ही अलग है, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ से। और मैं यही चाहूँगा कि एक बार आप लोग भी आओ और आप लोग आकर यहाँ अच्छे से दर्शन करो नीलकंठ महादेव के। ये इतना ऐसा लग रहा है कि बादल जो है नीचे हैं, और इस ऊपर से देखो नीचे का दृश्य कैसा दिखता है। अभी और ऊंचाई पर चलना है, यहाँ पर आप अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है उसके लिए भी सुविधा है, टॉयलेट है यहाँ पर, शौचालय है। और अगर आप लोगों को किसी तरह से ज़्यादा ही थकावट हो गई तो यहाँ पर आपको वो भी मिलेंगे, चेयर वगैरह भी मिलेगी बैठने के लिए, और लेटने के लिए तख्त वगैरह भी मिलेगा आपको। ये अभी काफ़ी ऊंचाई पर है जो अभी चलना है। अच्छे से मैं जो है बहुत ही अच्छे से आपको दर्शन करा रहा हूँ, तो वीडियो को देखते रहना अंत तक। बस अब थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे नीलकंठ महादेव पे, फिर हम जल चढ़ाएंगे, मैं आपको शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा। अभी और ऊंचाई पर है, लेकिन जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हाइट होती है वो हम चढ़ चुके हैं, अब इतनी ज़्यादा वो नहीं बचा, अब थोड़ा सा बचा है। ये आप देखो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर नज़ारा है देखने को। ये दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना रास्ता सा, दरअसल ये रास्ता नहीं है, ये भी एक छोटी नदी आई हुई है, ये पानी है। ये देखो ये है पानी, ऐसा लगता है दूर से इतनी ऊंचाई से कि रास्ता है ये। ये आ गए हम नीलकंठ महादेव, अब आपको दर्शन कराता हूँ मैं। ये देखो ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है, ये ऊपर जो है भोलेनाथ की मूर्ति है ये, ठीक है, और इसी के नीचे जो है यहाँ पर शिवलिंग है जो कि सोने की शिवलिंग है, छोटी सी लेकिन अच्छी है, इतनी छोटी भी नहीं है, काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं क्योंकि नहीं तो बहुत लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत भीड़ हो जाएगी, श्रद्धालु काफ़ी आते हैं। ये इधर नंदी जी है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ये नंदी जी की मूर्ति है, बीच में शिव जी की मूर्ति है। और यहीं पे आपको जैसे आओगे तो यहीं पे आपको जूते चप्पल रखने की भी व्यवस्था है, दुकानें हैं वहाँ पर, आप जूते चप्पल रख सकते हो, बहुत सारी दुकानें हैं। प्रसाद आप नीचे से अगर लेके आओ लेके आ सकते हो, नहीं तो प्रसाद भी ले सकते हो यहाँ पे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।